यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हमारे साथ हैं हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज जी। एक बहुत बड़ा एक विषय है स्कूल में फीस आई को लेकर, लंबे अरसे से अभिभावक मांग कर रहे हैं कि एग्जोजरेट फीस जो है वो जरूर से ज़्यादा बढ़ा दी गई है। तो शिक्षा मंत्री हालांकि अपने तरफ से प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन ये प्रयास कितने सफल हुए उनसे बात करते हैं। भारद्वाज जी बताएं, काफ़ी लंबे अरसे से अभिभावक मांग कर रहे हैं फीस जो वृद्धि है वो अप्रत्याशित है। सरकारी स्कूलों में कोई वृद्धि नहीं होती है, कॉलेजेस में भी नहीं है, यूनिवर्सिटी में भी नहीं है। निजी विद्यालयों में पहले तो मेरा सभी से निवेदन है कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं। हमारे सरकारी स्कूल जो हैं वो निजी विद्यालयों से, बहुत से निजी विद्यालयों से ज़्यादा अच्छे हैं। दूसरे, हम जो हैं वो हिंदुस्तान जो है वो रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चलता है। इसमें एग्जामिन कर रहे हैं हम कि इस मामले में किस प्रकार से हम कंट्रोल करने के लिए कोई कानून बना सकते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो पार्लियामेंट ने बना रखा है उसमें केवल मात्र जो है वो प्रॉफिटियरिंग पर जो है वो रोक की बात की गई है। और हमारा हिमाचल प्रदेश का 1997 का एक कानून विधानसभा ने बना रखा है, उसमें भी हम इनकी एफिलिएशन रिकॉग्निशन इत्यादि का जो है वो प्रोविजन्स हैं। लेकिन फी हाइक को रोकने के लिए मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस पर जो है वो अपने संविधान को, कानून को और हमारे जो विभिन्न एक्ट हैं, रूल्स हैं, उनको स्टडी करें और हम देखेंगे कि अगर इस प्रकार से जो है वो एग्जॉर्बिटेंट जो है वो फीस हाइक की जा रही है प्राइवेट स्कूलों के द्वारा, तो उस पर जो है वो रोक लगाई जानी चाहिए। मुझे आज ही एक प्राइवेट स्कूल की ही अध्यापिका का भी टेलीफोन आया, वो उसके बच्चे जो हैं वो किसी दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में ही, जिसमें वो बता रहे थे कि भी जो उनकी एक बेटी है वो स्कूल में पहले से पढ़ती है, उसकी फीस 600 रुपये है, लेकिन अब नई जो दाखिल की है दूसरी बच्ची की, उसको 33,000 रुपये देना पड़ रहा है। तो कई स्कूलों में बहुत ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंटली जो है वो फीस हाइक की जाती है। इस पर हम देखेंगे कि अगर हम कानून बना सकते हैं तो हम कानून बनाएंगे, अन्यथा हम कोई और जो इसमें एक्शंस एज पर आरटी एक्ट और हमारे जो विधानसभा अपना शिक्षा का जो है वो कानून बना हुआ है 1997 का, उसमें कोई प्रोविजन होगा तो उसके अनुसार बनाएंगे, या हम नया क्या कानून इसमें संविधान के दायरे में रह करके बना सकते हैं, उस पर भी हम विचार करेंगे। ये थे शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, जिनका ये साफ कहना है कि स्कूलों की मनमानी को लेकर सरकार हालांकि जागरूक है और जितना प्रयास कानून के दायरे में होगा वो किया जाएगा, लेकिन इनका एक संदेश सबको ये भी है कि सरकारी स्कूलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो शिक्षकों की गुणवत्ता और जो क्वालिटीज़ हैं वो ज़्यादा बेहतर है कि अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं, तो इस समस्या से और भी निजात मिल सकती है। कैमरामैन आतिश चौहान के साथ उमेश शर्मा, खबरें अभी तक शिमला।